हो गाइस, अभी तक आप नहीं हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या आप भी खोरे और जुए से परेशान हैं? अगर आपको भी ये समस्या है, आपके भी बालों में खुजली आती है, इस तरह से बाल सारे खोरे से खराब हो गई हैं, जुए हो गई है ढेर सारी, तो आप हमारी इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको दो टिप्स बताऊंगी। एक टिप्स से आपके बालों में जुए और खोरे समाप्त हो जाएंगे और दूसरी टिप्स से आपके बाल बढ़ेंगे, इतने घने काले मुलायम और रेशम चमकदार बाल बढ़ेंगे। ऐसे इस तरह का तेल हम आपको घर पे बनाना सिखाएंगे। इस तेल के यूज से आपको खोरे से राहत मिलेगी और बाल बनेंगे सुंदर मुलायम और चमकदार। रेमेडी की यूज से ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, जुओं से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जुए होने के बाद हम अपनी सर को खुजलाते रहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं इस तरह से खुजली कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इनकी सर में जो है जुए हो गई है और उन्हें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो जुए होती है, ये जो खोरा होता है, हमारे सर का जो खून है वो पीते रहते हैं और हमारे सर को बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं। और ये जुए इस तरह के अंडे देती है जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में लीक कहते हैं, कि वो एक लीक ढेर सारी जुए पैदा करती है। तो इनसे छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके जो माथे की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाएगी, बालों की जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, बाल बेजान हो जाएंगे। तो इन जुओं से और लीकों से कैसे छुटकारा पाएँ, आज की रेमेडी में हम आपको बताएंगे। हमारी रेमेडी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये है हमारे दो इंग्रेडिएंट्स जिससे कि आप अपनी सर का खोरा मिटा सकते हैं। आपके सर में बालों के अंदर जुए हो गई है तो उनको भी आप मिटा सकते हैं। आपके बाल होंगे स्वस्थ, घने, लंबे, क्योंकि जो जुए होती है ना वो आपके सर का खून तो चूसती ही है, बालों में डैंड्रफ कर देती है। बाल जो आपके नीचे होते हो उसके अंदर दोनों ही बाल हो जाते हैं और बाल रुखी रुखी से बेजान बाल हो जाते हैं, क्योंकि जो भी विटामिन प्रोटीन बालों को जरूरत होती है वो सारे का सारा प्रोटीन्स और विटामिन्स जुए जो है सोक कर लेती है और बाल जो है रूखे हो जाते हैं। तो इनको जुओं को जो है जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जो ढेरे जो जुए पड़ करके जो बालों का नुकसान करती है उसकी भरपाई करेगी आपकी ये रेमेडी। तो इसके लिए हम लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक चम्मच मेथी दाना लिया है और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है फिटकरी। अब आप देख सकते हो फिटकरी, तो हमें इतनी फिटकरी नहीं लेनी है। फिटकरी का जो इतना हिस्सा है इसको हम दो बार में यूज करेंगे और मेथी दाना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक चम्मच। तो इतना मेथी दाना लेना है, इसको आपको पीस लेना है या फिर आप एक साथ में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेकर के मेथी दाना पीस लें और उसके बाद एक चम्मच आपको मेथी दाने का पाउडर ले लेना है। तो ये मैंने मेथी दाने का पाउडर ले लिया है और ये है फिटकरी, इसका भी हम पाउडर ले लेते हैं। मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है तो वो हम पाउडर ही ले लेते हैं। तो ये है फिटकरी का पाउडर। अब सबसे पहले आपको ये जो मेथी दाने का पाउडर है इसको बॉईल पानी में डालना है, उबलते हुए पानी में डाल करके इसको आपको लगभग 5 मिनट तक बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको ये फिटकरी उसके अंदर डाल देनी है। चाहे तो आप गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, पर उबलते पानी में ना डालें, गर्म पानी में आप इसको डाल दें। फिर जब ठंडे हो जाए तब आप उसको छान करके पानी को और अपनी सर पे उसे लगाएं। पानी को देखिए, आपको आधा लीटर पानी लेना है और आधा लीटर पानी में मेथी को अच्छे से बॉईल करना है। मेथी के पाउडर को बॉईल करते करते जब पानी आपका लगभग आधा रह जाए, यानी 250 ml रह जाए 500 ml से, तो आपको उस पानी के अंदर फिटकरी मिला लेनी है और फिर उस पानी के बालों की जड़ों में उस पानी को अप्लाई करना है और अच्छे से अप्लाई करना है। सारी जो जुए हैं वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपके बाल जो है वो जो बेजान है उनमें जान आ जाएगी, आपकी समस्या मिट जाएगी। तो आप इस रेमेडी को यूज कीजिए और यूज करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको इससे कितना लाभ मिला। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, जो लोग इस तरह से परेशान हैं उनके लिए बेहतरीन और कारगर रेमेडी है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।
और हाँ दोस्तों, रेमेडी यूज करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आप उसे अच्छे शैम्पू से धो लें एक घंटे के बाद, और फिर आपको एक सप्ताह में भी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब आपको खोरे से छुटकारा मिल जाए तो आप हमारी इस रेमेडी को यूज करके बालों को एकदम से बढ़ा सकते हैं। बालों की ग्रोथ ऐसे बढ़ेगी कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये है बहुत ही बेहतरीन तेल। मैं आपको वो तेल बनाना बता रही हूँ जो कि आपके बालों को काला, घना और लंबा बनाएगा, और लाइफ टाइम आपको डाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ये नुस्खा आजमाएंगे तो ये बहुत ही आयुर्वेदिक नुस्खा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज करेंगे वो मैं आपको एक एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और ये जो कांच के जार में आप सरसों का ऑयल देख रहे हैं, ये घर पे निकाला हुआ ताजे सरसों का ऑयल है। आपको भी इसी तरह से सरसों का ऑयल आप अपने सामने जो निकालने वाले होते हैं उससे आप उनके पास जाकर के आप अपनी आंखों के सामने ताजा और शुद्ध सरसों का तेल निकलवा लीजिए और उस तेल का आप इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मार्केट में जो आते हैं उनका भी कोई विश्वास नहीं होता है, काफी सरसों के तेल सही होते हैं परंतु काफी के अंदर मिलावट भी पाई गई है। तो इसलिए अच्छा होगा अगर आप अपने बालों के लिए रेमेडी बना रहे हो तो प्योर सरसों का तेल यूज करें। तो ये सरसों का तेल मैंने लिया है 250 ml। तो एक कांच के जार में सबसे पहले सरसों का तेल लेना है 250 ml। दूसरे नंबर पर है जो हमारे पास ये दो जड़ी बूटियां है और इसके साथ हमारे पास है आंवला और मेथी दाने। ठीक है, सभी की मैं आपको गुणवत्ता भी बताऊंगी। और बालों के लिए, हमारे जो बाल असमय में सफेद होते हैं ये जड़ से काले हो जाएंगे। अगर आप ये नुस्खा यूज करेंगे, ये रेमेडी घर पे तैयार करेंगे फिर यूज करेंगे तो गारंटी है आपके बाल काले हो जाएंगे। बस इसके लिए देखिए, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो देखिए बाल कुदरती जो सफेद हो चुके हैं उनको काला नहीं किया जा सकता। परंतु अगर आपके बाल थोड़े थोड़े सफेद होने लगे हैं प्रकृति के अनुकूल, क्योंकि हमारा खान पान इस तरह का हो गया है और जो प्रकृति है वो कुछ इस तरह की हो गई है, क्लाइमेट भी काफी बदलने लगे हैं, तो उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो बाल ऐसे समय में ही सफेद होने लगते हैं। अब उसको ठीक कैसे करना है, उनको सही कैसे करना है, जो बालों के अंदर जो वीकनेस होती है उसको कैसे सही किया जा सकता है ताकि हमारे बाल काफी लंबे समय तक ब्लैक बने रहें। तो दोस्तों ये है भृंगराज, ये ही बहुत जड़ी बूटी, बहुत ही कारगर औषधि है बालों के लिए भृंगराज। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, अच्छे घने लंबे और बढ़ेंगे भी और काले भी रहेंगे। और ये है मेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है जटामासी। अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे हमारी जटा होती है ना वैसे ही इसका इसके एक एक लेयर होती है और इसके एक एक के पीस के अंदर आप गिन नहीं सकते कि कितनी जटाएं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक एक धागा हमारे बालों की तरह होता है। इसको इसलिए इसको जट्टा मासी बोलते हैं। और बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को ब्लैक बनाने के लिए, बालों को प्राकृतिक निखार देने के लिए, नेचुरल निखार देने के लिए इसका यूज करें तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सस्ते में मार्केट में मिल जाएंगी आपको। टोटल ये जो मैंने सामान लिया है वो 70 से 80 रुपए का सिर्फ सामान है और ऑयल अलग है। तो ये जटामासी है, ये मैंने लिया है 20 ग्राम, भृंगराज मैंने 20 ग्राम लिया है, आंवला मैंने 25 ग्राम लिया और मेथी दाने भी मैंने 25 ग्राम लिए। अब क्या करना है, आंवले और मेथी दाने को मिक्स करके आप मिक्सी जार में डाल करके पीस लीजिएगा। दरदरा सा पाउडर होता है ना वैसे ही पाउडर मुझे पीस करके तैयार करना है। मैं दिखाऊंगी भी आपको कि किस तरह से पीस करके मैंने तैयार किया है। और ये भृंगराज और ये जटामासी है। तो अब ये देखिए, भृंगराज को भी मैंने तोड़ करके इस तरह से लेना है। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे तो ये इसके छोटे छोटे जो पीसेज है ना वो टूट करके तैयार हो जाएंगे। तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, इससे आपके बालों की ग्रोथ तो बढ़ेगी, बालों में प्राकृतिक निखार आएगा और बाल काले बने रहेंगे। तो इस तरह से सारी जो हमारी भृंगराज है उसको आपको इस तरह से तोड़ लेना है। अब ये जो जटामासी है इसको भी हमें देखिए इस तरह से बारीक कर लेना है, आप देख सकते हो। तो कैसे करना, एकदम सिंपल तरीका है, आप इस तरह से हाथों से कर सकते हो। थोड़ा वो कूटने वाला होता ना उसमें डाल करके उसको हल्का हल्का चोट मारेंगे तो इस तरह से आपकी ये सारी खुल जाएगी, देख सकते हैं आप। जो जटामासी की जो होती है ना अंदर की लेयर्स सारी एक एक करके खुल जाती है
पूरी जटा ये देखिए। तो इस तरह से मैं इसको तोड़ करके एकदम से और ऐसे बना लेती हूँ। फिर हम इसका कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी और ये दोनों का मैं पाउडर बना लेती हूँ। दोनों को एक साथ जार में डाल लीजिएगा और दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। तो आंवले और मेथी दाने को मैंने दरदरा सा कूट करके तैयार कर लिया है। जट्टामासी की भी मैंने इस तरह से देखिए, आप देखिए एकदम बारीक बारीक कर लिया, हाथों से किया है यह मैंने। और इसको भी मैंने हाथों से और जो पत्थर वाला वो होता है ना उससे थोड़ा कूट कूट करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो बहुत से आप सब चीजें आप जानते हैं आंवले की कितनी बढ़िया गुणवत्ता है बालों के लिए और मेथी दाने भी कितने गुणाकारी होते हैं हमारे बालों के लिए। अब कर भृंगराज को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। जटामासी को भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक हाथों से मसल करके तैयार कर लिया है छोटे छोटे पीस में। और मेथी दाना और आंवले को भी मैंने पीस करके दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। अब सभी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा करके जार के अंदर डाल देंगे। देखिए इतना बड़ा जार लेना है कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से आ जाए। आपके पास बड़ा जार है तो आप उसके अंदर 500 ml जो ऑयल है वो निकलवा करके, उस ताजा ऑयल निकलवा करके उसके अंदर तीनों चीजों को डाल दें और फिर हम रखेंगे इसको धूप के अंदर। तो मैं स्पून की सहायता से सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले कांच का जार लेना है, कांच के जार का ही यूज करें क्योंकि प्लास्टिक के स्टील के बर्तन आप यूज करेंगे तो उसके टॉक्सन्स है वो उसके अंदर जो हमारा तेल है उसके अंदर चले जाते हैं। तो ध्यान रखें कांच के जार का ही हमें यूज करना है। थोड़ा थोड़ा करके तीनों इन्ग्रीडियंट्स बारी बारी से डालते जाएँ और फिर लास्ट के अंदर तेल से इसको पूरा कवर कर दें, पूरा भर करके तेल से, और 15 दिन के लिए कड़ी धूप में रख दें। तो 15 दिन धूप में रखेंगे और इसको अच्छे से तैयार होने देंगे। पूरा तैयार करने के बाद जब आप इसे लगाएंगे और लंबे समय तक अगर आप यूज करते हैं तो आपको डाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो पूरा भर दिया मैंने इसको तेल से और धूप में रख दिया है। तो देखिए दोस्तों 15 दिन धूप में रखने के बाद आपका तेल कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है फुल और फाइनली, तो आपको एक लोहे का कढ़ाई लेना है। देखिए कढ़ाई भी यहाँ पे आपको लोहे का ही लेना है, अदरवाइज कढ़ाई के टॉक्सन्स भी तेल के अंदर चले जाते हैं। तो स्टील की नॉन स्टिक पैन इस तरह का आप ना लीजिएगा, सिर्फ लोहे की कढ़ाई लीजिएगा जो कि पुरानी हो कैसी भी हो चलेगी, पर कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए। तो सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसको लगभग 1 से 2 बॉयल आने तक बॉयल करेंगे। हाँ इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज किया है और इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल देती हूँ। मैं ये सब जो रेमेडी है वो लगाती रहती हूँ, यूज करती हूँ और मेरे घर के परिवार के और सदस्य भी यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स भी मिलता है और बाल बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल भी रूखे सूखे और बेजान बाल कभी नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से बबल्स आ गए हैं, बबल्स आ गए मतलब कि आपका तेल अच्छे से बॉईल हो रहा है। बस 1 से 2 मिनट ही बॉईल करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कि वही बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको पकाते रहें। तो अच्छे से बॉईल आ जाए, 2-4 बॉईल आ गए तो बंद कर दीजिए गैस का फ्लेम, इसको ठंडा होने दीजिए, फिर छान करके और फिर आप उसको किसी भी डब्बे में भर लीजिए और फिर आप इसको लगातार लगाइए। फिर आपका रिजल्ट भी आप देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपने जो ये आयुर्वेदिक तेल बनाया कैसे रहा, आपने यूज किया, क्योंकि इसको काफ़ी लंबे समय तक आप जब लगाएंगे ना तो फिर आपको डाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।